नवंबर में जब पुलिस हमारे समाज के हिसाब से ये लोग जो है हम लोग के ऊपर जुलम कर रहे हैं, हम लोग के ऊपर जुलम कर रहे हैं। बाकी और कुछ नहीं है, ये मुसलमानों को खत्म करना चाह रहे हैं हर किसी भी कीमत में। और हमारा बच्चा जो है ना काम धंधे वाला आदमी है, मेरा एक दो लड़का है, मेरा 50 साल की उम्र है, फिर भी मैं समाज का काम करता हूँ। ट्रीट करते अच्छे से तो अपन ऐसा करना चाहिए क्या? मैं हूँ हिंदुस्तानी भाऊ और आप देख रहे हैं न्यूज एप के। मैं हूँ जहांगीर रियासत, न्यूज एप के में आपका स्वागत है। कल दिन में मुफ्ती सलमान अजहरी को घाट पर पुलिस ने अरेस्ट किया था, हवाले किया एटीएस के गुजरात जूनागढ़। कल दिन में उनकी गिरफ्तारी, शाम के वक्त उनकी कोर्ट में पेशी जज के सामने और कई दिन का मिला पुलिस रिमांड। एटीएस की टीम गुजरात लेकर रवाना हुई रात के 3 बजे। उस बीच पुलिस और पब्लिक के बीच में थोड़ा सा तनाव, उसके बाद पुलिस पे कई लोगों ने हमला किया और उसकी हम पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस केस के अंदर हजारों की संख्या में लोगों का नाम लिखा गया है। कल रात तक 5 लोग अरेस्ट हुए हैं जो यहां पर भीड़ का हिस्सा थे और सारे लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, उसी आधार पर इनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है। आज इनको दोपहर के वक्त कोर्ट न्यायालय प्रोड्यूस करने के लिए लेके गए, अभी तक की ये खबर है। आप लोगों को बता दूं किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी पे मामला दर्ज हुआ। एक शायरी थी, उसके बाद जो भी मामला है एफआईआर के पहले तक सब ठीक होता है, एफआईआर के बाद बहुत पावर है पुलिस को और 10 स्टेप के अंदर ही आरोपी अरेस्ट कर लेते हैं। एफआईआर से पहले कुछ नहीं, एफआईआर होने के बाद सब कुछ हवाले करना पड़ता है पुलिस के। एफआईआर होने के बाद में पावर पुलिस का है, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होता है, प्रोड्यूस करना होता है। वैसा ही घाट के ऊपर की पुलिस ने किया, उसके बाद एटीएस जूनागढ़ गुजरात के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी को रवाना किया गया, कई दिन की पुलिस कस्टडी, उसके बाद बेल के लिए एप्लीकेशन दिया जाएगा। यहाँ पर कल दोपहर से ही राजनेता आना शुरू हो गया था, आरिफ नसीम खान आए, वारिस पठान आए और कई नेता यहाँ पर आए। वारिस पठान जी ने तो मुफ्ती सलमान अजहरी से बात भी की और मीडिया से भी बात की। डीसीपी साहब ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, फिर भी पब्लिक इतनी आ गई थी, पुलिस का बल उपयोग किए, उसके बाद पब्लिक ने पथराव की। सीसीटीवी कैमरे में जो जो आए वो इस केस में आरोपी बनेंगे। क्या कुछ कहा, 5 जन जो पथराव किए थे पुलिस पे, उन्हें कोर्ट न्यायालय में आज ले जाया गया है, उनके परिजनों से भी कुछ बात हुई। आइए देखिए हमारी इस खबर में। हमारे समाज के हिसाब से ये लोग जो है हम लोग के ऊपर जुलम कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है, ये मुसलमानों को खत्म करना चाह रहे हैं हर किसी भी कीमत में। और हमारा बच्चा जो है ना काम धंधे वाला आदमी है, मॉल में लगा हुआ है, सप्लाई का काम करता है, मजदूरी का काम करता है। यहाँ पे वो घाटकोपर में कुछ सामान लेने जा रहा था, आज शादी है, आज का शादी है हमारी बहन की, उसमें वो सामान लेने जा रहा था। मेरा बच्चा बेकसूरवार है और समझदार लड़का है। सर हम भी उधर दूर से हमको मालूम पड़ा ऐसे आए, हम लोग लोगों को समझाते हैं, समाज का काम करते हैं, समाज में हम लोग की कोई कमी नहीं रखते, हर समाज को हर वर्ग को लेके चलने वाले आदमी। पत्थरबाजी में सर आप फोटेज चेक कर सकते हैं, मेरा लड़का खाली ऐसे खड़ा होके ये सामने पुलिस स्टेशन के सामने इधर। तो क्या आपका कहना है कि पुलिस ने गलत कार्रवाई की? सर एकदम बिल्कुल पुलिस कार्रवाई गलत कर रही है। उनको जो है ना 100-200 आदमी को जो है ना उनको रिकॉर्ड बताना है और पूरे हिंदुस्तान में वो फैलाना चाह रहे हैं, ये सब गलत है। कानूनी कार्रवाई किया जाए, अगर कानूनी कार्रवाई करते हैं तो गवर्नमेंट का हम भी साथ देंगे, कानून का साथ देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले हम लोग किसी भी तरीके से उपद्रव नहीं करना चाहते।
और मेरा एक दो लड़का है, मेरा 50 साल का उम्र है, फिर भी मैं समाज का काम करता हूँ। कहाँ को बनना राय नगर में बीएमसी का काम हो, पब्लिक का काम हो और किसी चीज का काम हो, वो सब हमारे काम हम करते हैं। हमारे घर में तकलीफ होती है, हमारा बच्चा एक कमाने वाला है और उनको भी अंदर डाल दिए। बहुत सही है, नहीं तुम सोचो ना, तुम भी ताई तुम है, हम लोग तुम्हारे जैसे पेशेंट को कितना ट्रीट करते हैं अच्छे से, तो पर ऐसा करना चाहिए क्या? कितना गलत बोलते सब लोग, मोबाइल लेके आना, मोबाइल लेके आ जाता। जी, मेरा नाम एडवोकेट इब्राहिम हर्बर्ट है, मैं मौलाना का जो है पर्सनल लॉयर हूँ। उन्होंने जो शेर कहा वो कोई हेट स्पीच नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था, उनसे सवाल किया गया था, ये गुजरात में इतने हजारों मुसलमान मारे गए, क्या आपको बुरा लगा या नहीं लगा? उन्होंने जवाब दिया था कि गाड़ी के नीचे अगर कुत्ता भी आ जाए तो बुरा लगता है। मौलाना ने किसी भी धर्म को जो है हेट करने के लिए कोई ये नहीं कहा है। उन्होंने जो है कुत्तों के बारे में प्रतिज्ञा दी है और उनका ये बोलना था कि गली गली में बहुत सारे जो है कुत्ते मर गए हैं, म्यूनिसिपैलिटी को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब कुछ लोग पर्टिकुलरली उसको अपने आप के ऊपर जो है लागू कर रहे हैं, और जिस तरह से मुंबई पुलिस ने इलीगली डिटेन करके उनको हैंड ओवर किया है, ये संविधान का वायलेशन है, ये लॉ का वायलेशन है, जिसके खिलाफ हम स्ट्रिक्टली जो है हाईकोर्ट में जाएंगे और इसके खिलाफ जो है हम बिल्कुल जो है जो भी कानूनी कार्रवाई है उनके जो परिजन है उनको लेकर कोर्ट में जाएंगे और इसके खिलाफ एक्शन होगा। लॉ एंड ऑर्डर जो है खराब करने की कोशिश भी जो है इन्हीं लोगों की तरफ से की गई। पीसफुली जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लड़कों को बाजाबता जो है बहुत बुरी तरह से पीटा गया और जो है उनके जो चाहने वाले थे उनको बीट किया गया। घाटकोपर पुलिस स्टेशन के अंदर भी लाकर मारा गया, उसके भी अगेंस्ट में हम जो है लीगल एक्शन लेंगे। और जिन जिन ऑफिसर्स ने अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया गया है हम उन सब के खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि ये जो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और जो है वायलेशन ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ की तरफ से दूसरी और जो है किसी और दिशा में जो है देश को ले जाने का ये एक बड़ा मैसेज है कि हम किसी लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, हम किसी जो है रूल को फॉलो नहीं करेंगे, वट एवर वी वॉन्ट वी कैन डू। कुछ दिन पहले जो है एक देश के एक बड़े नेता ने जो है ये कहा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला हो जाएगा, तो ये याद रखिए कि लाठी जो है लाठी का वक्त जो है लोगों का बदलता रहता है। इसी साहब का जो अभी दो दिन का ट्रांसिट रिमांड दिया है मजिस्ट्रेट साहब ने, और इनमें सेक्शन लगाया गया था 153B 505 पार्ट 2 और अन्य सेक्शन थे, ठीक है। अभी उन्होंने तो डिमांड किया था ज़्यादा दिन का, मगर मुफ्ती साहब का मजिस्ट्रेट साहब ने दो दिन का रिमांड दिया ट्रांसिट रिमांड, क्योंकि FIR गुजरात में हुआ है। अभी बाकी देखते प्रतिक्रिया गुजरात में की जाएगी आगे। तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है ना किसी धर्म विशेष के, इसमें मैंने कुछ बोला है, बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई, बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए पुलिस स्टेशन पर, तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हम कानून कायदे पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने का काम किया। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पर पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हम आए, DCP साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज़ कहा है कि हम पूरी तरह कॉपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ का मैटर नहीं, गुजरात की पुलिस आई है, तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, अब उनको लेके गए मजिस्ट्रेट के पास, और वहाँ से शायद उनको फिर गुजरात पकड़ जाए। कुछ नोटिस को लेकर कुछ इश्यू हो रहा था कि नोटिस देना चाहिए था, उसके बाद जो है उनको डिटेन करना चाहिए था। 153B लगाया है उनके ऊपर कानून, तो ऐसे केसेस में क्या होता है आमतौर के ऊपर 41A का एक नोटिस दिया जाता है, तो हम वही बोल रहे हैं कि नोटिस तो हमको दो, नोटिस दो उसके बाद आप उनको लेकर जाइए ना, नोटिस दो हमको, पूरा कायदे कानून पे प्रशासन पे पूरा भरोसा यकीन है। हम भी चाहते हैं कि अमन शांति सुकून पूरे देश भर में बना रहे, मगर जो कानून की प्रतिक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। आपको पुलिस वाले को नोटिस देने को तैयार नहीं है, 41A का हर बार होता है, 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का सब, मगर उन्होंने दिया नहीं। बहरहाल हमको उम्मीद है कि न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा, उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है। और देखिए इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर,
चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना FIR होता है ना कोई केस होता है। मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लेरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ाया। और वहाँ पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर वो बयान कर रहे थे, तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर उनको इतना बड़ा केस। ATS आ जा रही है यहाँ पर, गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि न्याय हो सबके सामने, तो संविधान में इक्वालिटी की बात हुई, सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए।